अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनका यूज़ क्या है और ये कौन सी डिवाइसेस में आते हैं। तो चले क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली जो डिवाइस है ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट एंट्रिंग के लिए। इसके ज़रिए हम अपना डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर पे। ये जो ये वाली साइड है जिसमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, ये नम पैड कहलाता है। ये वाली जो साइड है ये क्या है? ये हमारा मेन कीबोर्ड होता है। ऊपर जो बटन दिए हुए F1 से F12, तो ये फंक्शन कीज कहलाते हैं। और ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं मॉडिफाई कीज कहलाती हैं। और जो नीचे एरो नज़र आ रहे हैं ये एरो कीज कहलाती हैं। कंप्यूटर जो है माउस के बगैर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर कीबोर्ड मौजूद नहीं हो तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड जो डिवाइस है वो माउस है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है। आइए मैं माउस का आपको यूजेज बताता हूँ कि माउस किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो माउस के ऊपर दो बटन है, एक लेफ्ट है और राइट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। ये जो मेरा लेफ्ट क्लिक हो गया। राइट क्लिक किस लिए यूज होता है? अब मैं किसी भी फोल्डर या फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, उसके अंदर उसके ऑप्शंस आ जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, उसे ओपन करना है, एडिट करना है। तो माउस के अंदर दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। इसके अलावा माउस में एक चीज़ और होती है, स्क्रॉलिंग यहाँ पे दी हुई होती है। ये किस लिए यूज़ होती है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया, मुझे अपना पेज नीचे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्रॉलिंग को इस तरह करूँगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेज नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अब मुझे ऊपर पेज के ऊपर देखना है तो मैं इस तरह मूव करूँगा इसको और ये ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा। अगली जो हमारे पास डिवाइस है वो स्पीकर है। स्पीकर के आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? लिसनिंग के लिए। हमें अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद सॉन्ग या कुछ भी जो कंटेंट है उसको सुनने के लिए, उस आवाज़ को सुनने के लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा तो स्पीकर में से वॉइस आना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा है स्पीकर में से आवाज़ आ रही है, तो स्पीकर के आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये हमें आउटपुट फ्राहम करता है, इसमें से हम वॉइस लिसन कर सकते हैं। हमारी जो अगली डिवाइस है वो प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंटर जो है हमें आउटपुट देता है एज अ फॉर्म ऑफ पेपर। हमें अपने हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद होता है उसे अगर हम हार्ड कॉपी के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम उसका क्या प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। आइए मैं आपको प्रिंट निकालना सिखाता हूँ। प्रिंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपने कंप्यूटर पे कंट्रोल और पी को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल और पी को प्रेस करूँगा यहाँ पे एक मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट का बटन होगा। सिंपली मैं इसको प्रेस करूँगा और प्रिंट निकल के आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा मेरे बटन प्रेस करते ही प्रिंटर ने एक्शन परफॉर्म किया और इसका प्रिंट आउट निकल के आ गया। अब ये जो पेपर है ये एज अ फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? मेरे कंप्यूटर के अंदर जिस वक्त फाइल मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जो प्रिंट आउट निकल के आया है ये क्या है? हार्ड कॉपी है। अगली जो हमारी डिवाइस है वो मॉनिटर है। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या काम करता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसे हम मॉनिटर के थ्रू देख रहे होते हैं। तो मॉनिटर क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो CPU है। आप पिक्चर देख रहे हैं सब इसको CPU कहते हैं, जबकि ये CPU नहीं, एक्चुअली में इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर का मदरबोर्ड, CPU, RAM, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें इस केसिंग के अंदर मौजूद होती है और ये क्या कहलाती है? सिस्टम यूनिट कहलाती है। अगला जो कंपोनेंट है वो RAM है। RAM क्या होता है? RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM जो है हमारी प्राइमरी स्टोरेज है। अगर हम RAM को कंप्यूटर में से निकाल देंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो। मैं कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं वो फाइल ओपन करूँगा तो वो टेम्प्रेरी किस में? RAM के अंदर सेव हो जाती है। परमानेंटली वो किस में सेव होती है? स्टोरेज डिवाइसेस में। जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो हमारी फाइल सेव हुई होती है किस में? स्टोरेज डिवाइस। लेकिन जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करूँगा और जब मैं उस फाइल को एक्सेस करूँगा तो वो RAM में आ जाएगी। और अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क इसलिए यूज़ होती है डेटा स्टोर करने के लिए। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना डेटा होता है वो किस में? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क जो होती है मैकेनिकल होती है, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो सीडी रोम है। सीडी रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। साइज होता है एक सीडी का वो 700 MB होता है। पहले डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए सीडीज और डीवीडीज का इस्तेमाल किया जाता है।